आगामी दशहरा विजयदशमी के पर्व पर हमारा कार्यक्रम है शस्त्र पूजन और सहभोज का। क्षत्रियों का ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है। जब से भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या आए थे ये तब से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में ये कार्यक्रम मनाया जाता है, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में, ये लगातार होता रहता है। उस दिन हजारों क्षत्रियों के यहाँ भाग लेने की उम्मीद है। कार्यक्रम में हमारे सांसद लल्लू सिंह जी को भी इन्वाइट किया गया, अमित सिंह चौहान विधायक हैं, अभय सिंह विधायक हैं, और ये रोहित सिंह है जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, उनको भी आमंत्रित किया गया है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे बाबू अनिल सिंह जी, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसमें फैजाबाद मंडल, देवीपाटन मंडल और ये आपका बस्ती मंडल, तीनों मंडलों के प्रतिनिधि रहेंगे। वाइस चांसलर इंडियन यूनिवर्सिटी को आमंत्रित किया गया है, वो हमारे मतलब इस समाज में ये मैसेज है कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत जो है, जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया था वो एक बुराई पे अच्छाई की जीत है। कार्यक्रम क्षत्रिय बॉडी हाउस परिसर लाल बाग 12 बजे से राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय क्षत्रिय समाज 1000 की संख्या तक इसमें आमंत्रित किए गए हैं, वहाँ पर पहुँचेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि क्षत्रिय समाज जो आर्थिक सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ रहा है उनको जागरूक करने की दिशा में बातचीत की, भोजन के माध्यम से उनमें जागरूकता का उद्देश्य रखा गया है। क्या क्या मैसेज देंगे? यही कि हर दृष्टि से आप जागरूक हों और जो है संगठित हों, शक्तिशाली बने, समाज को दिशा दें, देश विकास करें, ये हमारा उद्देश्य। प्रोफेसर एमपी सिंह समाज की तरफ से ये निर्णय किया गया है, हमारी जो जिला इकाई है और महानगर इकाई है वो और सहभोज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन क्षत्रिय बॉडी हाउस सोसाइटी के परिसर में लालबाग में होगा। ये आयोजन 12 बजे से शुरू होगा। जो कृषि प्रसार निदेशक थे इंडियन यूनिवर्सिटी में सेवानिवृत्त हैं वो रहेंगे। जनप्रतिनिधियों में सांसद लल्लू सिंह, विधायक अमित सिंह चौहान, अभय सिंह, हाँ सुधाकर सिंह, कई तमाम गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। उसमें हजारों की संख्या में सक्रिय इकट्ठा होंगे।